नमस्कार, मैं दिव्या, स्वागत है आपका बिहार और देश की फटाफट 30 खबरों में। चलिए जानते हैं खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री मोदी ने पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के 6 पदकों के प्रदर्शन की सराहना की है। इसे ओलंपिक इतिहास में भारत का दूसरा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन बताया गया है। मोदी ने एथलीटों के प्रदर्शन को गौरवान्वित करने वाला कहा और उनके भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी हैं। मॉनसून के बादल मौत और तबाही बनकर बरस रहे हैं। मौसम विभाग ने 13 राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। बता दें कि 24 घंटे में दिल्ली समेत राज्य में 22 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसके बाद IMD ने अलर्ट जारी किया है। असम के ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन में असिस्टेंट टीचर और सीनियर ग्रेजुएट टीचर के लिए 35,133 पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की गई है। आवेदन प्रक्रिया 6 अगस्त से शुरू है। विस्तृत जानकारी के लिए और आवेदन के लिए आधिकारिक वेबसाइट dee.assam.gov.in पर जाएं। चंद्रयान 3 की दक्षिणी ध्रुव पर ऐतिहासिक लैंडिंग को 1 साल पूरा होने के मौके पर इसरो प्रमुख एस सोमनाथ ने खुशखबरी दी है कि चंद्रयान 3 का ऑर्बिटर अब भी सक्रिय है। इसके साथ ही उन्होंने बताया है कि चंद्रयान 4 की डिजाइन पूरी हो चुकी है और इसे 2028 तक लॉन्च करने की योजना है। नॉर्थ और साउथ कोरिया, बहरीन, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, लिंटेनस्टिन, ये 4 देश ऐसे हैं जो 15 अगस्त के दिन स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। आज भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान के पितामह डॉक्टर विक्रम साराभाई का जन्मदिन है। उन्होंने 1947 में भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला की स्थापना की थी और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की नींव रखी। उनके योगदान की याद में चंद्रयान 2 का लैंडर विक्रम के नाम से जाना जाता है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा ने 750 रुपये की नामांकन राशि को महंगाई के मद्देनजर अपर्याप्त बताते हुए कहा है कि इससे अधिवक्ताओं के कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने में मुश्किल हो रही है। उन्होंने बताया कि राज्य बार काउंसिल जल्द ही अधिवक्ता संघों की बैठक बुलाएगी। सासाराम के रोहतास जिले के चिनारी के पास कैमूर पहाड़ी के जंगल में एक तेंदुआ एक पत्थर पर आराम करते हुए दिखाई दिया। कांवरिया बिना किसी डर के तेंदुए के पास से गुजरते रहे, जबकि वन विभाग की टीम तेंदुआ को रेस्क्यू करने की कोशिश कर रही है। पटना में शिक्षक अभ्यर्थियों ने BPSC कार्यालय को घेरने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया जिसमें कई अभ्यर्थी घायल हो गए। छात्र नेता दिलीप कुमार की गिरफ्तारी के विरोध में प्रदर्शनकारियों ने बेली रोड को जाम कर दिया। अभ्यर्थी कैंडिडेट रिजल्ट की मांग कर रहे हैं। अनंतनाग के कुकेर नाग जंगल में आतंकवादियों से मुठभेड़ के दौरान शहीद हुए भारतीय सेना के हवलदार दीपक यादव का पार्थिव शरीर आज छपरा पहुंचेगा। शहीद को पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जाएगी। बिहार के जहानाबाद स्थित सिद्धेश्वर नाथ मंदिर में भगदड़ मचने से 7 लोगों की मौत और 9 श्रद्धालु घायल होने पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए और घायलों के इलाज की घोषणा की है। राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने हादसे पर दुख जताया है। पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने दरभंगा में केंद्र सरकार पर हमला करते हुए कहा है कि बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था भारत से बेहतर है और वहां की अल्पसंख्यक स्थिति बाहरी ताकतों के कारण खराब हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार भारतीय मुसलमानों को गाली देती है। बेगूसराय की जीविका दीदियां निशा और रीना को प्रधानमंत्री के विशेष बुलावे पर स्वतंत्रता दिवस समारोह में भाग लेने के लिए दिल्ली भेजा जा रहा है। बिहार का प्रतिनिधित्व करने वाली इन दो दीदियों के लिए ये पहला अवसर है। दिल्ली यात्रा से वे काफी उत्साहित और खुश हैं। भागलपुर में गंगा का जलस्तर बढ़ने से कई इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। सबौर जमसी पथ और कटारिया नदी पर बने ललमटिया पुल के आसपास पानी भर जाने से आवागमन प्रभावित हो गया है। पटना जंक्शन पर वंदे भारत एक्सप्रेस से 50 लाख रुपए के साथ बजरंग ठाकुर नाम का व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी ने ये रकम झारखंड के कोयला कारोबारी पवन ठाकुर की बताई है। आयकर विभाग ने पवन ठाकुर से स्पष्टीकरण मांगा है। बीते दिनों तेजस्वी यादव ने बिहार में राजद की सरकार बनने का दावा किया, जिस पर ललन सिंह ने कहा है कि तेजस्वी यादव की जन्म कुंडली में मुख्यमंत्री बनना नहीं लिखा है। अब इसके जवाब में लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने कहा है कि ललन सिंह की खुद की कुंडली में कई समस्याएं हैं और दूसरों की कुंडली पर टिप्पणी करना हास्यास्पद है।
केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने आज 12 अगस्त को देश भर के उच्च शिक्षा संस्थानों की ताजा रैंकिंग जारी की है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दोपहर 3 बजे के बाद 12 कैटेगरी में टॉप कॉलेजों की सूची पेश की है। रैंकिंग की पूरी जानकारी आधिकारिक वेबसाइट nirfindia.org.in पर उपलब्ध है। हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा सेबी चीफ पर गंभीर आरोप लगाए जाने के बाद माधवी पुरी बूच के इस्तीफे की मांग तेज हो गई है। मशहूर विश्लेषक डेनियल गिल्ट्रूड ने चेतावनी दी है कि ऑफशोर फंडों से जुड़े भ्रष्टाचार से विदेशी निवेश पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि सेबी चेयरपर्सन को इस्तीफा दे देना चाहिए। 15 अगस्त को भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 5 प्रमुख फिल्में स्त्री 2, खेल खेल में वेदा, डबल ए स्मार्ट और तंगलान रिलीज हो रही है। फिलहाल स्त्री 2 को सबसे अधिक उम्मीदें हैं। दर्शकों की कसौटी पर कौन सी मूवी खरी उतरी है, 15 अगस्त को बॉक्स ऑफिस पर इन फिल्मों का मुकाबला देखना दिलचस्प होगा। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले के मामले में तिहाड़ जेल में बंद है। उन्हें उपराज्यपाल को पत्र भेजने से रोक दिया गया है। जेल प्रशासन ने केजरीवाल को चेतावनी दी है कि जेल की सुविधाओं का गलत इस्तेमाल करने पर उनकी सुविधाएं कम की जा सकती हैं। अगर UPI या अन्य पेमेंट ऐप से पैसे ट्रांसफर करते समय पैसा किसी और व्यक्ति के खाते में चला जाए तो टोल फ्री नंबर 1800120170 पर कॉल करके या बैंकिंग omdu@dsman.rbi.org.in पर शिकायत करके अपने पैसे मात्र 48 घंटे में पा सकते हैं। वेस्ट इंडीज और दक्षिण अफ्रीका के बीच पहला टेस्ट रद्द हो गया है, जिससे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के पॉइंट्स टेबल में कोई बदलाव नहीं आया। टीम इंडिया पहले स्थान पर बनी हुई है, उसके जीत प्रतिशत में भी कोई फर्क नहीं पड़ा है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023-25 के चक्र में टीम इंडिया ने अब तक 9 टेस्ट खेल लिए हैं। भारत ने 9 में से 6 मैचों में जीत दर्ज की है। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू ने विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ बैठक में भारत के साथ संबंधों को मजबूत करने पर जोर दिया। मोइजू ने आश्वस्त किया कि वे मालदीव के हितों और विदेश नीति के खिलाफ कुछ भी नहीं होने देंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यूट्यूबर ध्रुव राठी के वीडियो को शेयर करने के मामले में मानहानि केस का सामना करते हुए सुप्रीम कोर्ट से 8 से 12 सप्ताह की मोहलत मांगी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मांग को स्वीकार करते हुए सुनवाई को 6 सप्ताह के लिए टाल दिया है। राहुल द्रविड़ ने 2024 T20 वर्ल्ड कप के बाद भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच के पद से इस्तीफा दे दिया है और गौतम गंभीर को उनकी जगह नियुक्त किया गया है। द्रविड़ ने रोहित शर्मा और विराट कोहली समेत अन्य खिलाड़ियों के ईगो को संभालने के बारे में भी बात की है। दिल्ली हाई कोर्ट ने ट्रेनी IAS पूजा खेडकर को राहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर अग्रिम रोक लगा दी है। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस और UPSC को नोटिस जारी किया है कि अब तक अग्रिम जमानत की अर्जी पर सुनवाई पूरी ना हो जाए उन्हें गिरफ्तार ना किया जाए। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कोलकाता में हाल ही में रेप और मर्डर का शिकार हुई डॉक्टर के परिवार से मिलने पहुंची हैं। उन्होंने पुलिस को मामले की जांच रविवार तक पूरी करने का निर्देश दिया है और जांच में देर होने पर CBI को ट्रांसफर करने की धमकी दी है। सुप्रीम कोर्ट ने शंभू बॉर्डर को आंशिक रूप से खोलने का आदेश दिया है, जिसमें महिलाओं, बच्चों, एम्बुलेंस, आवश्यक सेवाओं और स्थानीय यात्रियों की आवाजाही की अनुमति दी जाएगी। अदालत ने पंजाब सरकार से किसानों से बातचीत कर ट्रैक्टर हटाने के भी निर्देश दिए हैं। BJP ने हिंडनबर्ग की हालिया रिपोर्ट को देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने की साजिश करार दिया है। पार्टी के नेता रविशंकर प्रसाद ने रिपोर्ट पर अमेरिकी बिजनेसमैन जॉर्ज सोरोस और कांग्रेस पर आरोप लगाया है कि वे चुनाव में हार के बाद आर्थिक अराजकता फैलाना चाहते हैं। प्रसाद ने कांग्रेस पर टूलकिट का इस्तेमाल करने का भी आरोप लगाया है। आज के लिए इतना ही। जिन लोगों ने हमें कमेंट किया था उनके नाम हैं: कोनर शर्मा, फाजिल इमाम, बाबूलाल मरांडी, नितेश कुमार सिंह, मोहम्मद साकिर हुसैन, विजय नाथ ठाकुर। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके हिसाब से ओलंपिक में विनेश फोगाट को सिल्वर मेडल मिलना चाहिए या नहीं? आप अपना जवाब हमें हमारे कॉमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।